आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मदर टेरेसा शिवाजीनगर में हो रहे सीवर लाइन के काम से आमजन हद से ज्यादा परेशान हो रहे। पूरे मदर टेरेसा शिवाजीनगर ग्रीन सिटी में सीवर लाइन की काम होने से जगह जगह गड्ढा होने से लोग परेशान हैं। हम रोज एक न एक व्यक्ति इन गड्ढों में गिर के जख्मी हो रहे हैं। 30 जून 2023 को काम पूरा होने का फरमान दिया गया था, लेकिन आज 2024 जून चल रही है, अभी तक सीवर लाइन का काम पूरा नहीं हुआ। चारों तरफ कीचड़ गड्ढे में तब्दील हो गया। समय रहते अगर काम हो जाता तो शायद लोगों को ऐसी कीचड़ भरी रास्तों पर चलने को मजबूरी नहीं होता। यह बारिश के समय में कितना काम हो पाता है और लोगों को गड्ढों से एवं कीचड़ से निजात दिलाई जा सकती है। अगर 3 दिन वर्षा हो जाए पूरे घरों में घुटनों तक पानी भरा रहता है। यहाँ के भाषणों ने बताया कि अभी तो वायरस नहीं हो रही है, अगर बारिश अच्छी तेज हो जाए तो 2-3 दिन गिर जाए तो घरों में घुटनों तक पानी आ जाता है, जिससे हमारे जान माल का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। जबलपुर से राम नारायण श्रीवास की रिपोर्ट। जी भैया, क्या समस्या आ रही है? ये जो स्थिति आप आज देख रहे हैं, ये विगत एक महीने से तो ऐसी विकट स्थिति में है सारे मदर टेरेसा निवासी, ग्रीन सिटी निवासी और शिवाजी नगर वाले कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। जगह जगह पर गड्ढे हैं और अभी वहाँ सामने तो कम से कम 10 फुट का गड्ढा खुदा था, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लोग गिरते हैं, पैदल चलने वालों के ऊपर ये पानी और कीचड़ उछट रहा है, सबके कपड़े गंदे हो रहे हैं। ये करीब 4-5 साल से इस रोड को, ग्रीन सिटी मदर टेरेसा वाली जो सड़क है, ये तो बड़ी बेकार स्थिति में, बरसात में पानी भर जाता है, कहीं कहीं 1-1 फुट पानी तक भर जाता है। तो पीछे कॉलोनियाँ बन रही हैं तो उस वजह से अभी कुछ दिन पहले पूरी सड़क पे पानी भरा था, वहाँ से नालियाँ चौक हो गई। तो वर्तमान में तो देखा जाए तो समस्या ही समस्या यहाँ पर लग रहा है कि ये 4 महीने कैसे कटेंगे, जबकि सारी गर्मी बिल्कुल शांति से निकल गई और अब बरसात में चारों तरफ काम चल रहा है और इस कार्य के कारण कुछ बेस असुविधा लोगों को हो रही है। ये सीवर लाइन का भी काम चल रहा है? ये सीवर लाइन का काम चल रहा है लेकिन किस्तों में चल रहा है। 1 साल पहले लाइन डल गई, फिर एक जगह से सड़क खुद गई, उसकी रिपेयरिंग हुई, अभी चैम्बर का काम बाकी है, पाइप भी डल रहे हैं, अब पाइप डलेंगे, फिर भविष्य में क्या मालूम कब चैम्बरों का काम लगेगा, घर की नालियाँ जुड़ेंगी, फिर एक बार खुदाई होगी। तो जो काम कहना चाहिए कि 6 महीने में हो सकता है उसे 6 साल में किया जा रहा है। ये समस्या लोगों को लंबे समय तक झेलना पड़ रही है। यहाँ जैसे ये कार्य चलता है तो उस टाइम पे विधायक या क्षेत्रीय पार्षद वगैरह आते कि नहीं आते? आते हैं, देखते हैं, सांत्वना देते हैं और आश्वासन भी देते हैं कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्या मालूम कार्य करने का तरीका ही ऐसा है कि एक कार्य को बड़े लंबे समय तक खींच खींच के उसको करते हैं। बार बार मेरा नाम अरविंद गौड़िया और यहाँ शिवाजी नगर में रहता हूँ। जी भैया, आप देख सकते हैं कि किस तरह की अराजकता ये फैली हुई है यहाँ पर। ये नगर निगम के द्वारा यहाँ पर 30 जून 2024 को लास्ट डेट दी गई थी ये कार्य पूरा हो जाए सीवर लाइन का, मदर टेरेसा शिवाजी नगर और ग्रीन सिटी दीनदयाल उपाध्याय बाट के अंतर्गत में, लेकिन ये कार्य अभी तक, आज 4 जुलाई हो गई है, ये कार्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर गड्ढे हैं, कीचड़ है, लोग गिर रहे हैं, स्कूल चालू हो गया है, स्कूल के बच्चे गिर रहे हैं, और जब भी ये काम करते हैं तो सीवर लाइन में पाइपलाइन का लीकेज वगैरह हो जाता है। आए दिन ये समस्याएं होती जा रही हैं, लेकिन तब भी नगर निगम प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहा है। और पता नहीं, इन्होंने तो 30 जून 2024 कहा गया था, तो ऐसा ना हो तो ये 30 जून 2030 तक ना कहा जाए इस काम। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा कीचड़ फैला हुआ है, आप दिखा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब अव्यवस्था फैली हुई है। मेरा नगर निगम प्रशासन से यही कहना है कि जल्द से जल्द ये कार्य कराया जाए और यहाँ पर रोड भी बनाई। महापौर से भी उम्मीद चाहिए, महापौर से भी हम उम्मीद चाहते हैं। विधायक अभिलाष पांडे जी हैं, पार्षद जी हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी भी हैं, तो उनसे भी हम चाहते हैं। एक आध बार जीतने के बाद विधायक जी आए कि नहीं? आए जी, तो आए, क्या देखा उन्होंने? उन्होंने यहाँ तक आए थे भगवान दास ज्वेलर्स तक, सब निरीक्षण करके चले गए, रोड बनने का था लेकिन रोड अभी तक नहीं बनेगा। फिर बोला गया कि सीवर लाइन का काम होना है तब ये रोड बनेगी, लेकिन अभी तक सीवर लाइन का काम चल ही रहा है और रोड अभी तक नहीं बना। कितने माह से चल रहा है विगत ये काम? तो 1-1.5 साल से चल रहा है सीवर लाइन का, मदर टेरेसा पूरे दीनदयाल उपाध्याय वाले 1-2 साल से चल रहा है और नहीं हुआ, जबकि बोला गया था अभी जो ये अपना लोकसभा चुनाव थे तो जो पर्चे छपे हुए थे पार्षद विधायक द्वारा उसमें ये रोड दर्शाई गई थी कि बन गई है, लेकिन अभी तक ये रोड
बन गई थी या बनने वाली है, लेकिन अभी तक ये आप देख सकते हैं ये रोड अभी तक नहीं बना। अच्छा, झूठे पर्चा भी छाप दे दे। पर्चे छपे हुए हैं लेकिन रोड नहीं बना। नाम बताइए। रोहित सोनी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।